हाय फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ कुछ नई रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? तो देखिए, प्रीति की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी। चलो बनाते हैं। मेरी मिर्च हो चुकी है बिल्कुल कटकर तैयार, तो मैंने रख दूंगी अब साइड में। और आप अगर अपने घर पे बना रहे हो इस तरह की रेसिपी, तो इस तरह बनाना जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। रेसिपी को देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए। मैंने यहाँ पे ले लिया है ये प्याज, इसे मैं अच्छे से डंठले को हटा दूंगी इसके को, देख सकते हो। प्याज यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है, मिर्चों को कट कर लिया है, प्याजों को अच्छे से छील लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाने हैं आपको ये रेसिपी, वीडियो पे बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑयल हो चुका है गरम। अब हम डालेंगे इसमें राई के दाने। देखिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर राई, देख सकते हो आप। तो आपको इसमें राई डालना है सबसे पहले। राई मेरी चटकने लगी है, राई मेरी हो चुकी है। अभी हमें इसमें डालना है जीरा। देखिए आधे चम्मच के करीब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। जीरे को भी होने देंगे गरम। जीरा और राई मेरी हो चुकी है फ्राई, हमें ने ज्यादा फ्राई नहीं करना। और अब डाल देंगे हम ये इसमें प्याज। प्याजों को फ्राई करते हैं पहले। वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, तो देख सकते हो आप किस तरह बनाती हूँ मैं इस रेसिपी को। प्याज हो चुकी है फ्राई। यहाँ पे मैंने साबुत प्याजों का इस्तेमाल किया है, कुछ कट करके किए हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें मिर्च, इनको भी फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। आपको याद रहे मिर्च और प्याज आपको पहले फ्राई करना है, उसके बाद में इसमें कुछ ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। आप मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर से कर देना। देखिए फ्राई हो चुकी है, मैं 1 मिनट तक और पकने देती हूँ इसे। मिर्च हो चुकी है मेरी फ्राई, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़े मसाले ऐड। मसालों में सबसे पहले जाएगी यहाँ पर ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना। देखिए आधा चम्मच यहाँ पे मैं लूंगी ये नमक। नमक मैंने यहाँ पर सौंधा लिया है, आप चाहे तो कोई भी नमक ले सकते हो। देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चुटकी मैंने यहाँ पर ये गरम मसाला लिया है। गरम मसाला हम 1 चुटकी ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मिर्च हमारी तीखी है, तो देख सकते हो आप। पकते हुए हो चुके हैं यहाँ पर 1 मिनट। अब हम इसमें कर देंगे ये पानी ऐड। पानी यहाँ पे हमने 1 कप लिया है। देखिए इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसे पकने देते हैं ढककर 5 मिनट के लिए। यहाँ पर इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। ढक देते हैं, गैस को कर देंगे मीडियम। देखिए हो चुके हैं 5 मिनट, तो मैं इसे गैस को कर दूंगी बंद और इसे देख लेते हैं कैसी बनी है। देखिए पानी बिल्कुल इसका जल चुका है, हमें जितना चाहिए था उतना रह चुका है। देखिए हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बनकर तैयार है मेरी ये रेसिपी, देख सकते हो आप। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस रेसिपी को बनाने में, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही यमी ये रेसिपी।